हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। हर रोज़ हमारी स्किन को तरह तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सुबह उठते हैं तो हम फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, फिर फेयरनेस क्रीम हो या फिर मेकअप हो या फिर सनस्क्रीन लोशन हो या फिर नाइट क्रीम हो, यानी कि डेली रूटीन में हम बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हमारी स्किन पर इस्तेमाल करते हैं। और ये जो केमिकल वाले प्रोडक्ट होते हैं, इनकी वजह से हमारी स्किन को बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है। स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो झुर्रियों की समस्या हो या दाग धब्बों की समस्या, उनमें से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो है पिगमेंटेशन की समस्या। चाहे महिला हो या पुरुष, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पिगमेंटेशन की समस्या रहती है और वो चाहकर भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये जो पिगमेंटेशन है वो इतना ज़्यादा डीप हो जाता है स्किन में, तो हम कितनी भी कॉस्मेटिक क्रीम लगा ले या फिर कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी या ट्रीटमेंट करवा ले, उससे भी झाइयों की प्रॉब्लम दूर नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेहतरीन होम रेमेडी बता रही हूँ, जिसके न तो कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं और न ही कोई आपको बहुत महंगा प्रोडक्ट है जो आपको बाहर से ख़रीदना पड़े, और न ही कोई उसमें केमिकल होता है। तो ये बहुत ही साधारण और बहुत ही फ़ायदेमंद घरेलू चीज़ है, जिसकी मदद से आप अपने चेहरे के पिगमेंटेशन को दूर कर सकते हो, हटा सकते हो। और कुछ दिनों बाद अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसका इस्तेमाल करते हो तो आप इसको जड़ से भी ठीक कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पिगमेंटेशन की होम रेमेडी से पहले मैं आपको थोड़े से इसके कारण बताना चाहूँगी कि क्यों हमारे चेहरे पर ये झाइयों की प्रॉब्लम इतनी कॉमन होती है। हमारी जो स्किन होती है उसमें मिलेनिन नाम का प्रोडक्ट होता है, सभी मतलब पूरी अगर स्किन की बात करें तो सब जगह होता है, लेकिन अगर इसका प्रोडक्शन एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से हमारे झाइयों की, या फिर आप मिलेज्मा बोल सकते हो या फिर पिगमेंटेशन बोल सकते हो, वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हो, सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसकी वजह से भी मिलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और आपकी झाइयों की समस्या हो सकती है, या फिर हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से भी। महिलाओं में अक्सर ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान होती है, या फिर उनको कोई PCOS की या थायराइड की समस्या रहती है तो, या फिर कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके मेनोपॉज के टाइम भी झाइयों की समस्या दिखनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी न्यूट्रिशन की कमी है तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप अच्छा खा नहीं पा रहे हो, अच्छी डाइट आपकी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑयली या फिर अनहेल्दी फूड खाते हो या फिर बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खाते हो, तो इसकी वजह से भी ये समस्या हो सकती है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको रेगुलर उनका जो काम है उसकी वजह से उनको मेकअप लगाना मतलब ज़रूरी होता है, तो वो अगर रेगुलर बेसिस पे मेकअप लगाती है और उसको अच्छे से रिमूव नहीं करती है तो उसके जो मेकअप का जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से भी मेलानिन का जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है और झाइयों की समस्या कॉमन हो जाती है। कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती है जिनकी साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। तो कारण चाहे जो भी हो, अगर आप अपने चेहरे को एकदम क्लीन करना चाहते हो, पिगमेंटेशन को जड़ से ख़त्म करना चाहते हो, तो मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी बता रही हूँ। इसको आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ दिनों तक इस्तेमाल करना है। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोस भी देखे हैं या फिर जगह जगह सुना है कि एक ही रात में झाइयों को जड़ से ख़त्म करे या फिर एक ही बार में झाइयों को ठीक करे, ऐसा नहीं होता है। कोई भी होम रेमेडी को टाइम लगता है, जब आपकी झाइयाँ होने में वक्त लगा है तो इसको ठीक होने में भी समय लगता है। तो आपको रेगुलर बेसिस पे ये ट्राई करना है, साथ ही अपनी कारण का भी ध्यान रखना है कि किन कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही दूर होती जाएगी। तो सबसे पहले तो होम रेमेडी जानते हैं। मैं आपको सिर्फ एक ऐसी तरीका बता रही हूँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह जब आप नहाने जाओ उसके 10 मिनट पहले ये अप्लाई करना है, जिससे आपकी स्किन, अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करते हो तो स्किन से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं झाइयों के साथ साथ। आपको इसके लिए चाहिए आलू। आलू बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं स्किन के लिए। आलू का जो रस होता है उसमें एंटी टेनिंग प्रॉपर्टी होती है, साथ ही मिलेनिन का जो पिगमेंट होता है उसके प्रोडक्शन को भी ये कम करती है और आपकी स्किन को लाइट बनाती है।
डार्कनेस दूर करती है, झाइयों की समस्या दूर करती है, साथ ही आपकी स्किन को अंदर से क्लीन करती है। अगर आपकी झुर्रियों की प्रॉब्लम है यानी स्किन लूज होती हो गई है उम्र से पहले, तो उसको टाइट करने का काम भी करती है। और अगर आपकी स्किन में टेनिंग की समस्या, धूप में बाहर निकलने की वजह से आपकी स्किन टैन हो चुकी है, तो ये आपकी मतलब इसकी एंटी टैनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आपकी स्किन को फिर से क्लीन करती है और फिर से आपकी शेड है वो लाइट करती है। तो आपको क्या करना है, आलू के रस को अपनी स्किन पर अप्लाई करना है रोज़ सुबह नहाने से 10 मिनट पहले। इसके लिए आप एकदम या तो आलू की स्लाइस को कट करते हैं, आपको आलू को कभी भी, एक चीज़ याद रखना, आलू को कट करके आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। बहुत बार क्या होता है, पड़ा है आलू कटा हुआ है, कुछ देर हो गई, उसके बाद आप अपने चेहरे पे अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपको स्लाइस कट करनी है, तुरंत आपकी स्किन पे अप्लाई करना है। एक स्लाइस कट की और अपनी स्किन पे जहाँ जाइए वहाँ पे अच्छे से कुछ देर तक मसाज कीजिए। 3 से 4 मिनट मसाज करने के बाद आप इसको पूरे मतलब 10 मिनट के लिए ऐसे ही ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। आप चाहो तो सिर्फ झाइयों पे अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी पूरी ओवरऑल स्किन पे, चेहरे पे इसको अप्लाई कर सकते हो। इससे झाइयों के साथ साथ आपकी स्किन के दाग धब्बे दूर होते हैं, आपकी स्किन है वो, उसकी टैनिंग दूर होती है, स्किन है वो बेवजह किसी भी कारण से अगर डार्क हो गई है तो वो लाइट होती है। तो ये पिगमेंटेशन के अलावा और भी प्रॉब्लम्स दूर करते हैं, साथ ही आपकी एजिंग प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करता है। यानी एजिंग प्रॉब्लम का मतलब होगा कि उम्र से पहले अगर आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं तो स्किन को टाइट करने का काम भी आलू का रस करता है। तो आपको आलू की स्लाइस कट करनी है और इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करना है, फिर 10 मिनट छोड़ देना है। ये तरीका अपना सकते हो, या फिर आप आलू को डायरेक्ट कद्दूकस कर लीजिए, कट करके उसका अंदर का जो हिस्सा होता है उसको कद्दूकस कर लीजिए और उसके जो रस को स्क्वीज करके आप एक कटोरी में डाल लीजिए और फिर कॉटन की मदद से आप अपने चेहरे पर आलू के रस को अप्लाई करके रख सकते हो 10 मिनट के लिए। फिर आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ये तरीका अपना सकते हो या स्लाइस वाला तरीका अपना सकते हो। या फिर एक और चीज़ है वो भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। आपको क्या करना है, आलू को कद्दूकस कर लेना है और इसको एकदम मेल्ट मतलब मिस कर लेना है। मिस करने के बाद आप इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स कर लीजिए और ये मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पर, ओवरऑल चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए और 10 से 15 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। ये एक बहुत ही बेहतरीन फेस पैक है, इससे आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होता। इसका इसमें जो एलोवेरा जेल है ये आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चर देता है, हाइड्रेट रखने का काम करता है और साथ ही नेचुरल शाइनिंग और ग्लोइंग भी उससे स्किन होती है। तो झाइयों के साथ साथ आपकी अगर स्किन किसी भी कारण से डल हो गई है या फिर स्किन आप डेड सेल्स है तो वो भी रिमूव होती है। तो ये जो फेस पैक है 15 मिनट तक लगा के आप रख लीजिए, फिर आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। इनमें से कोई भी तरीका जो आपके लिए सूटेबल हो वो आप अपना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने आज कर लिया आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि क्या इसमें थोड़ा वक्त लगता है। एक दिन में तो झाइयाँ ठीक नहीं होएगी चाहे कुछ भी कर लो आप, तो आपको थोड़ा सा समय देना है। कम से कम आपको 1 वीक आप ट्राई करोगे तो आपको खुद फील होने लग जाएगा कि आपकी स्किन है उसमें काफ़ी इफेक्ट हो रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा फीलिंग आ रही है। उसके बाद आप उसको कंटिन्यू बेसिस पे 1 मंथ तक कीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। आपकी स्किन धीरे धीरे एकदम से क्लीन होने लग जाएगी, झाइयाँ हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी और कुछ एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी झाइयों का नामो निशान भी नहीं रहेगा। काफ़ी लोगों ने इसे ट्राई किया है और काफ़ी लोगों को बेनिफिट भी हुआ है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सिर्फ होम रेमेडी से कुछ नहीं होगा अगर आप अपने कारण को वैसे ही आपका रहेगा। यानी कि अगर आपके हार्मोनल प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से मिलना है और आपको उसका सोल्यूशन करवाना है, चाहे PCOS की प्रॉब्लम हो या मेनोपॉज की या फिर प्रेगनेंसी के बाद आपके हार्मोन चेंज होते हैं, तो आपको अपने गायनों से मिलकर उसका भी ट्रीटमेंट करवाना है। अगर आप कोई मेडिकेशंस पे हो तो उसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से सॉल्यूशन पूछिए कि मेडिसिंस की वजह से आपके झाइयों की प्रॉब्लम हो रही है तो उसका कोई एंटीडोट ढूंढिए। साथ अपने न्यूट्रिशन का जितना हो सके ध्यान रखिए, आपको हेल्दी डाइट लेनी है, जूसेज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स स्पेशली, मतलब जिसमें सैलेड बहुत ज़्यादा आप अपने डाइट में इस्तेमाल कीजिए, जिससे क्या जितने विटामिन और मिनरल्स आपको मिलेंगे उससे मेलेनिन का प्रोडक्शन डाउन होता जाता है, कम होता जाएगा और आपकी स्किन है वो ग्लोइंग भी बनेगी और आपकी स्किन की झाइयों की समस्या भी दूर होगी। क्योंकि खाना एक बहुत ही ज़्यादा मतलब इफेक्ट करता है, बहुत ही बेहतरीन फैक्टर होता है आपकी स्किन को ग्लोइंग और आपकी झाइयों को हमेशा के लिए दूर करने के लिए। तो अच्छी डाइट होनी बहुत ज़रूरी है।
इसके अलावा किसी भी कारण से स्ट्रेस है तो उसको कम कीजिए। जितना आप खुश रहोगे आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी और आप भी हेल्दी रहोगे। तो कारणों को कम करके भी आप अपनी स्किन को सही रख सकते हो, झाइयों की समस्या को दूर कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।